नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम आपके लाए हैं बिहार सीमेन का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 8वां। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए तुर्की। क्या दोस्तों का ए तुर्की। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। ऐतिहासिक रूप से इस किताब को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए अशोक। क्या दोस्तों का ए अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 से 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी छठा। क्या दोस्तों का सी छठा। अशोक के दो अभिलेख मानसेहरा एवं वाजगाढ़ी खरोष्ठी लिपि में है, और लगमान एवं तक्षशिला अभिलेख अरमाइक लिपि में है, और सरकुना एवं कंधार अभिलेख हिमासिक लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से किसे भारतीय प्रेस की मुक्तदाता कहा जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी मेटकॉप। क्या दोस्तों का बी मेटकॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता हैं। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी अनेक जिमेड। क्या दोस्तों का सी अनेक जिमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी शनि। क्या दोस्तों का बी शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए स्वेज नहर। क्या दोस्तों का ए स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां चलते हैं। आठवां क्वेश्चन दोस्तों है, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी अनुच्छेद 14 से 18। क्या दोस्तों का सी अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी मार्च 1931। क्या दोस्तों का मार्च 1931। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह
नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है नीति आयोग की स्थापना की गई। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी 1 जनवरी 2015। क्या दोस्तों होगा? सी 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 चलते हैं। 11 दोस्तों है, कौन सा अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? कौन सा अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी पूंजीवादी। क्या दोस्तों का? बी पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 चलते हैं। 12 क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सीमा शुल्क। क्या दोस्तों का? बी सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 चलते हैं। 13 क्वेश्चन दोस्तों है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी हुबली। क्या दोस्तों का? डी हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 चलते हैं। 14 क्वेश्चन दोस्तों है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी फल। क्या दोस्तों का? बी फल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 चलते हैं। 15 क्वेश्चन दोस्तों है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए माउंट आबू। क्या दोस्तों का? ए माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 चलते हैं। 16 क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी हड़प्पा। क्या दोस्तों का? बी हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 चलते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी लोहा। क्या दोस्तों का? सी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 चलते हैं। 18 क्वेश्चन दोस्तों है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? उज्जैन का प्राचीन नाम था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए अवंतिका। क्या दोस्तों का? ए अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 चलते हैं। 19 क्वेश्चन दोस्तों है, जैन धर्म का आचारभूत बिंदु है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? जैन धर्म का आचारभूत बिंदु है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी अहिंसा। क्या दोस्तों का? सी अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 20 क्वेश्चन दोस्तों है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी प्राकृत। क्या दोस्तों होगा? बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 चलते हैं। 21 क्वेश्चन दोस्तों है, कुषाण काल में अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? क्या क्वेश्चन दोस्तों है कुषाण काल में अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी वास्तुकला। क्या दोस्तों होगा? डी
वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी मराठों ने। क्या दोस्तों का डी मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए 1858 ईस्वी। क्या दोस्तों का ए 1858 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की आत्मसमर्पण घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी 70%। क्या दोस्तों होगा बी 70 दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी दिल्ली। क्या दोस्तों होगा बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, 2001 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार 2001 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी 10 करोड़। क्या दोस्तों का सी 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। शराबबंदी किस अनुच्छेद धारा में निर्देशित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, शराबबंदी किस अनुच्छेद धारा में निर्देशित है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए धारा 47। क्या दोस्तों का ए धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी लाला लाजपत राय। क्या दोस्तों होगा बी लाला लाजपत राय। क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए लोकसभा। क्या दोस्तों होगा ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो क्लास क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी गोदावरी। क्या दोस्तों का सी गोदावरी। सी गोदावरी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।